स्वागत है आपका मेरे चैनल लेस ऑयल जायका में। आज हम बनाने जा रहे हैं भाजी। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो टमाटर, 2 शिमला मिर्च, 10 से 12 फ्रेंच बीन, 4 प्याज। सभी चीजों को बारीक काट ले। 4 उबले हुए आलू ले, उसे अच्छे से मैश कर ले। 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल, 2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, 200 ग्राम पीली मूंग दाल। एक कढ़ाई ले, उसे हल्का गर्म होने दे। फिर उसमें 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल डाले। ऑयल में फिर 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डाले और उसे पूरी कढ़ाई में अच्छे से स्प्रेड कर दे। इससे कोई भी चीज़ नीचे कढ़ाई में सटेगी नहीं और आप कम तेल में भी आराम से खाना बना पाएंगे। गर्म हुए हुए कढ़ाई में आप बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें। प्याज को आप तब तक पकाएंगे जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए या वो हल्का ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। प्याज में फिर आप 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल दें। लहसुन और अदरक को प्याज के साथ तब तक भुने जब तक उसका कच्चापन खत्म ना हो जाए। जब तेल गरम हो जाए तो आपको 1 टीस्पून जीरा डालना है। मैं भूल गई हूँ इसलिए अभी डाल रही हूँ। एक टीस्पून हल्दी डाल दें। उसे तब तक पकाएं जब तक उसका कच्चापन खत्म ना हो जाए। हल्दी को किसी भी मसाले से ज़्यादा वक्त लगता है पकने के लिए, इसलिए हम उसे सबसे पहले डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भुनेंगे। फिर उसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के तुरंत बाद हम उसमें नमक डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। जब टमाटर का पानी अच्छे से सूख जाए तो वह 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दें और अच्छे से मिलाएं। फिर 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डालें। भुने हुए मसाले में फिर बारीक कटा हुआ फ्रेंच बीन डालें। फ्रेंच बीन को अच्छे से पकने दें। फ्रेंच बीन जब पक जाए तो उसमें बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालें और उसे भी अच्छे से पकाएं। सभी चीज़ों को अच्छे से भुनने दें। 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में सभी चीज़ों को ढक के पका लें। जब सब्जियां अच्छे से भुन जाए तब आप उसमें 200 ग्राम उबले हुए मूंग दाल डालेंगे। मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गई थी। दाल डालने के बाद आप उसे फिर 5 मिनट भूनने दें। सभी चीज़ों को अच्छे से भून के उसमें लगभग 1 से 1.5 ग्लास पानी डाल दें और बॉयल आने तक का वेट करें। भाजी में आप धनिया पत्ता डाल सकते हैं, उसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छी लगती है, पर मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली।
भाजी बनके तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।